नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश कृष्ण की ब्रज भूमि, जो अब बनती जा रही है रेत की भूमि, ब्रज कृष्ण की लीला स्थली, देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र। और शाम के वक्त अगर वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन की गलियों में आरती की गूंज वहां पहुंचने वालों को रोमांचित किए बिना नहीं छोड़ती। लेकिन ब्रज खतरे में है। जहां कृष्ण की बांसुरी गूंजती थी, वहां अब डायनामाइट के धमाके गूंज रहे हैं। रोमांच की जगह वहां रहने वालों के चेहरे पर अब खौफ है। जी हाँ, कंस के खौफ से निजात दिलाने वाले कृष्ण की जमीन पर खान माफियाओं का आतंक है। इसी पर आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। ब्रज में कृष्ण से जुड़ी हजारों जगह हैं। ऐसे कई पहाड़ हैं जिनका सीधा सीधा रिश्ता कृष्ण से बताया जाता है। कुछ निशान जिन्हें कृष्ण की लीलाओं का हिस्सा बताया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको ऐसी ही एक जगह पर हम लेकर चलते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं रतपुर के करीब बसे कामा में, जहां है एक ऐसा पहाड़ जिसकी चोटी पर श्री कृष्ण के चरणों की छाप है। जी हाँ, जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। चट्टानों पर बने भगवान श्री कृष्ण के डेढ़ पैर। ये सुनकर पहले हमें भी यकीन नहीं हुआ, आखिर चट्टान पर पैर के निशान कैसे बन सकते हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि 5000 साल पहले भगवान इसी जगह अपनी बांसुरी की तान छेड़ा करते थे और इसी पहाड़ी पर गोपियों के साथ लुका छिपी का खेल खेला करते थे। लंबी चढ़ाई के बाद जब हम उस जगह पहुंचे तो आंखें वाकई हैरत से फैल गई। हरे कृष्णा, यहाँ के पुजारी बिहारी बाबा ने पहले तो दूर से हमें इशारों से बताया कि उस छोटे से मंदिर के अंदर श्री कृष्ण के चरण हैं। 5000 साल पुराने चरणों के निशान। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण नंद गांव से ग्वालों के साथ अपनी गायों को लेकर इसी पहाड़ पर आया करते थे। हरे कृष्ण। काफी देर तक मान मनोबल के बाद बाबा ने आखिरकार बहुत करीब से हमें इन चरणों के दर्शन कराए। आगे की तरफ चट्टान पर बाएं पैर की पांचों उंगलियां और गहरी एड़ी, दाएं पैर की उंगलियां बाएं जितनी साफ नहीं, लेकिन पैर की रेखा बिल्कुल साफ दिखाई देती है। सैकड़ों साल पहले एक साधु ने इस चट्टान के इर्द गिर्द एक कच्चा चबूतरा बनाया, अब ये पक्की जगह हो चुकी है। आगे लोक लोक कुंड आए, वहाँ भगवान श्री कृष्ण और शकान के साथ लुका छिपी खेल खेल रहे थे। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गया, उन्हें भयंटम ढूंढा मिला नहीं। कृष्ण बने उन्हें प्राण त्यागने लगा, देह छने लगा। जब भगवान यहाँ खाया के बंशी बजाए थे, जब यहाँ चरण चिन्ह बन गया, जिस टाइम बंशी बजाए थे उसी टाइम बंशी के धुन से पास कोमल के चरण चिन्ह बन जाए। पहले इस पहाड़ पर ग्वालों की लाठी और गायों के खुर के सैकड़ों निशान मौजूद थे, लेकिन पहाड़ों के खनन और विदेशी पर्यटकों ने इस पहाड़ी को छोटे छोटे पत्थरों की शक्ल में तब्दील कर दिया है। अफसोस की बात इतनी कि इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में ना तो आज भी श्री कृष्ण के करोड़ों भक्तों को पता है और ना ही इस तरफ सरकार का ध्यान है। तो देखिए आपने ये तस्वीरें, लेकिन आज हम आपको ब्रज की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी धमाके से कम नहीं है। ब्रज में हर रोज हो रहे हैं डायनामाइट के धमाके। कृष्ण से जुड़ी कई जगहों को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। ब्रज में फैले अवैध खनन के माफिया बेखौफ होकर कृष्ण के खेलने की पहाड़ियों से खेल रहे हैं, वो भी सरकार, प्रशासन और पुलिस की आंखों के सामने। एक पुराना जुमला है, पैसे से बड़ा कोई इंसान नहीं होता। लेकिन इन धमाकों ने इस जुमले को बदल दिया है। डायनामाइट का धमाका करने वाले लोगों के लिए पैसे से बड़ा इंसान तो छोड़िए, भगवान तक नहीं है। राजस्थान में आने वाले ब्रज की ज्यादातर पहाड़ियों पर धमाकों की यह गूंज आम बात है। कमाने की होड़ में लगे अवैध खनन के माफिया कृष्ण की पहाड़ियों को छोटे छोटे कंकड़ों में बदल रहे हैं।
वरी ये है कि अगर एक क्वेरी जो है वो लीगल है और उसका लाइसेंस वगैरह मिला है, साथ ही साथ बहुत इलीगल क्वेरिंग भी हो रही है जिसमें कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं, तो इसको मैं कहता हूँ ये रॉबरी है, रॉबरी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डकैती। तो वो डकैती रोकना पड़ेगा क्योंकि नुकसान इससे बहुत होता है और होगा, क्योंकि हम देखें कि इकोलॉजी और इकॉनमी में कहीं अगर हमें बैलेंस करना है, इसमें अपन में संतुलन रखना है, तो इकॉनमी को उतनी तक ले जाना पड़ेगा जहां पे इकोलॉजी को डैमेज न करे, नुकसान न करे। लेकिन अफसोस इतना कि इन अनमोल धरोहरों को बचाने वाला कोई नहीं। ब्रज के साधु संन्यासी पिछले कुछ साल से लगातार इन पहाड़ों को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन माफियाओं की गोलियों के आगे निहत्ते साधुओं की जिंदगी कृष्ण के सहारे है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन मजबूर है। खनन मालिकों का दोष इतना ही है कि वो पट्टे की अधिकृत सीमा से कई गुना ज्यादा खनन अवैध रूप से करते हैं, जिसका प्रमाण कोई मेरे वक्तव्य पर आप मत जाइए, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद का और IIT रुड़की का एनालिसिस है, फोटोग्राफ्स है कि कितना खनन 1996 में हो रहा था, कितना आज हो रहा है, 28 गुना खनन बढ़ गया है। और सीधी सी बात यह है कि राजस्थान सरकार का राजस्व कितना आता है इसका आकलन कर लीजिए पहाड़ के डी और कामा में, और सैटेलाइट पिक्चर्स देख लीजिए कि कितने क्वांटम का डैमेज हुआ। असल में राजस्थान के भरतपुर जिले की डींग और कामा तहसील पहाड़ों पर अवैध खनन करने वालों का गढ़ है। ताज्जुब की बात यह है कि इस इलाके में खनन ना हो इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है, लेकिन इन इलाकों में अदालत और कानून माफियाओं का चलता है। अदालत के आदेश के बावजूद धमाकों से पहाड़ों को उड़ाने की गूंज यहां साफ साफ सुनी जा सकती है। यहां रहने वाले लोगों ने कई बार इस अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन ये आवाज डायनामाइट के धमाकों और माफियाओं की बंदूक के आगे हल्की पड़ गई। ये जो इलीगल माइनिंग हो रही है उससे एक वातावरण पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो आर्थिक हानि हो रही है राजस्थान सरकार को भी और उत्तर प्रदेश सरकारों को भी, कि इससे हमारा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर दूषित हो रहा है, दूसरा हमारा जो तीर्थ पे जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो लोग नहीं पहुंच पा रहे। चरण पहाड़ी, जहां कहते हैं कि अब से कुछ साल पहले तक कृष्ण के इन चरणों के अलावा और भी निशान थे, माफियाओं की बदौलत अब ये जगह रेत में तब्दील हो चुकी है। लुक लुक दाऊजी, भोजन थाली के करीब बने ना जाने कितनी ऐसी जगह हैं जो अब चट्टानों की शक्ल में टूटी पड़ी है। सबसे ताज्जुब की बात यह कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक समिति अपनी रिपोर्ट में इन पहाड़ियों को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए उन्हें बचाने की सिफारिश तक कर चुकी है, लेकिन नतीजा, जिन पर्वतों पर खनन चल रहा है उनके नाम है नर नारायण पर्वत, विंध्याचल पर्वत, त्रिकूट पर्वत, मैनाक पर्वत, गंधमार्दन पर्वत, ये सब शास्त्रीय नाम है। भगवान ने इन सब पर्वतों को ब्रज में वास दिया ताकि भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सके। अगर ये पौराणिक महत्व के पर्वत नहीं है तो इनके नाम ऐसे क्यों, विंध्याचल तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए, ब्रज में क्यों है? पिछले 4 साल से इन पहाड़ियों को बचाने के लिए ब्रज रक्षक दल और ब्रज के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पिछले 4 साल में एक एक कर कई पहाड़ियां मैदान की शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं, साधु संन्यासियों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। कैमरामैन शिव के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज कामा। तो कृष्ण लीला से जुड़ी पहाड़ियों को इस तरह से खत्म किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम इस पर मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं VHP नेता श्री BP सिंघल, BJP नेता हैं, साथ में उनके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ कृष्ण प्रिय दास भी हैं और उनके साथ में प्रोफेसर सुमित्र मुखर्जी भी हैं जो कि JNU में पर्यावरण जो विज्ञान है उसके प्रोफेसर हैं, और उसके साथ साथ हमारे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा भी हैं जो कि इस वक्त वृंदावन में मौजूद हैं। खासतौर से उनके साथ एक खास व्यक्ति हैं रमेश बाबा, जिन्होंने कि पूरा का पूरा बताते हैं कि ये आंदोलन शुरू किया था। सबसे पहले सिंघल साहब, आप ही से कहा जाता है कि भरतपुर के आसपास ये सबसे ज्यादा खनन BJP की ही सरकार है वहां पे। बिल्कुल मानता, स्वीकार करता हूं। औरंगजेब के बाद अगर कोई सरकार इस तरह से कर रही है, वह बहुत दुखी के साथ कहना पड़ता है कि BJP के शासन में हो रहा है ये बात। और उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा आप नक्शा बना दीजिए,
84 कोस की यात्रा बताई, 84 कोस के अंदर जो कुछ भी है वहां खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, हमने सब बंद कर दी। क्या बंद किया, 84 कोस की जो परिक्रमा है उसके इर्द गिर्द 500 मीटर छोड़ दिया, बाकी सब खनन हो रहा है जी। कहा कि जो सेंटर्स हैं उनको आप बचा के रखिए। उन्होंने कहा ठीक है, जो सेंटर है उसके 500 मीटर के रेडियस में नहीं खनन हो गया, मतलब वो ऊपर एक पिलर की तरह खड़ा हो जाएगा, बाकी खनन हो जाएगा। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और हमसे कहा हमने बंद कर रखा है। अरे बंद कर रखा है तो जो वेबसाइट पर तुम्हारी 93 लाख रुपए, फकत 93 लाख रुपए सालाना आमदनी भरतपुर की वेबसाइट में दिखाई जा रही है, वो 4 करोड़ कैसे हो गई इस साल में जी। डॉक्टर दास, डॉक्टर कृष्ण प्रिय दास, कृष्ण भक्तों के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक है? ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये जो है जब हम जाते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा पे, मैं खुद गया हूँ और मैंने देखे हैं ये चरण पहाड़ी और बाकी जगहों पे भी भगवान के चरण, गऊओं के चरण, हाथी के चरण, बल्कि सब एनिमल्स के वहाँ चरण देखे हैं। तो इससे हमारा जो विश्वास है शास्त्रों में वो बढ़ता है, क्योंकि ये साफ हमें नजर आते हैं। तो इससे तो ये बहुत ही हमारे भक्ति में बहुत धक्के की बात है ये, और ये हमें भी ये दुख है कि भगवान के जो इतने ऐतिहासिक ये प्रूफ हैं वो जो है उनको नष्ट किया जा रहा है। प्रोफेसर मुखर्जी, पर्यावरण पे किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चारों तरफ पिछले कई सालों से, लगभग 25 साल से खनन चल रहा है। एक भूवैज्ञानिक के तौर पर हम इस चीज को इस दृष्टि से देखते हैं कि अगर हम वहाँ उत्खनन जारी रखते हैं तो वैसे ही मथुरा, वृंदावन, ये पूरी ब्रजभूमि जिस पर लोगों की आस्था भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भूमिगत जल की विकट समस्या है, आज से नहीं विगत कई दशकों से। तो अगर हम ये उत्खनन का कार्य जारी रखते हैं तो जमीन के नीचे जो थोड़े बहुत जल के भंडार हैं, जिसे एक्वीफर कहते हैं, जो एक इंटरकनेक्टेड फ्रैक्चर के थ्रू, दरार के थ्रू वहाँ प्रवाहित होती है, तो जब हम ये उत्खनन करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो वो दरारें एक नेगेटिव दरार में चली जाती हैं और जो भूमिगत जल जिसका थोड़ा बहुत हम डीप ड्रिलिंग करके निकाल सकते हैं वो भी जमीन के अंदर और डीप में चली जाएगी, जिससे शायद वहाँ के लोगों के लिए समस्या और बढ़ जाएगी। जी 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 बिल्कुल। वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी हम आप लोगों के पास आएंगे और साथ ही चलेंगे वृंदावन, जहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगे रमेश बाबा, कृष्ण की धरोहर को बचाना जिनकी जिंदगी का मकसद बन गया। आप देखते रहिए खास पेशकश। कृष्ण की ब्रज भूमि जो अब बनती जा रही है रेत भूमि। राहुल, आपका जो हमने आपकी रिपोर्ट हमने ब्रेक से पहले देखी, उसमें उसके अंत में आपने ये कहा कि प्रशासन के हाथ बंद है, पुलिस किसने बांध रखे हैं? देखिए, बहुत साफ तौर पर बात करें तो सरकार ने सबसे पहले लाइसेंस दे रखा है, तो निश्चित तौर पर जब लाइसेंस हाथ में है तो फिर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होगी नहीं। दूसरे जो हमें वहां पर सबसे ज्यादा आरोप सुनने को मिले वो ये कि प्रशासन और जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, उनके कहीं ना कहीं रिश्ते हैं बहुत गहरे, जिसकी वजह से बहुत खुलेआम इस तरीके का काम मिल रहा है। और ये बात आरोप ना सिर्फ वहां के जो आम आदमी था वो लगा रहा था, बल्कि जो खान लाइसेंस लेकर जो खनन कर रहे हैं वो तक ही आरोप लगा रहे हैं। सिंघल साहब कुछ ऐसे अनुभव बता रहे थे। सिंघल साहब, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसमें पैसा चल रहा है खूब खुल करके, तीन ही कारणों से पाप करता है मनुष्य, प्रलोभन और आलस्य। भय और आलस्य का सरकार के लिए कोई स्थान नहीं है, तो केवल मात्र प्रलोभन के कारण ही हो रहा है। तो गलती तो मानते हैं, हाँ गलत है, लेकिन रोक नहीं पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे भाई? क्यों पैसा आ रहा है नहीं, और कोई कारण ही नहीं बनता है। जिस तरह से इन्होंने हम गए थे, जिस तरह से हमारा पीछा किया है लोगों ने, गोली चलाई और हम लोग भाग करके निकले हैं, आए हैं, उस केस को रजिस्टर हुए 6 महीना हो गए, 6 महीने नहीं ज्यादा हो गए, बल्कि 10 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ। उसमें नामजद है बीजेपी के जो प्रेसिडेंट भरतपुर के, उनके नामजद करके रिपोर्ट लिखाई गई है, जो उन्होंने मारने की कोशिश करी विनीत नारायण को, तो जान से ही मार देना चाहते थे। चलिए, बीजेपी के नेता खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस वक्त वृंदावन में मौजूद है जी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा, उनके साथ में रमेश बाबा भी मौजूद है।
कृष्ण मोहन, अगर वहां की स्थिति की बात करें तो किस तरीके से, जैसा देखने में आता है बहुत ज्यादा मजबूत नेटवर्क है इन पूरे के पूरे माफियाओं का। राहुल, इस समय मैं जिस यात्रा के बीच में हूँ वो 84 कोस परिक्रमा की यात्रा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतवर्ष में धार्मिक यात्राएं तो होती रहती हैं, लेकिन इस यात्रा में धर्म के साथ पर्यावरण को बचाने का, पुरानी धरोहर को बचाने का भी एक संदेश है, एक कोशिश है लोगों को अपने साथ जोड़ने की और पर्यावरण को बचाने की, उन जगहों को बचाने की जहाँ पर भगवान कृष्ण की निशान आज भी मिलते हैं। यही वो चारों तरफ वो है, मेरे पीछे जमुना नदी बह रही है, जहां से भगवान कृष्ण को जन्म के बाद उन्हें बचा कर ले जाया गया था गोकुल की तरफ। यहां पर कहीं ऐसी जगहें हैं जहां पर रासलीलाएं हुई थी, कोई ऐसी जगह है जहां भगवान कृष्ण गाय चराया करते थे, कोई ऐसी जगह है जहां पर गोपियों को समझाने गए उद्धव को, गोपियों ने खुद भक्ति का, प्रेम का उपदेश दे दिया। जी था। जी ये वो जगह है। कृष्ण, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण प्रियदास। डॉक्टर दास, इस्कॉन एक का जो क्रिएशन ही हुआ था कृष्ण की भक्ति, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही, जो एक्टिविटी हो रही है वृंदावन में कृष्ण की नगरी में, उसको लेकर क्या रवैया, क्या रुख है आप लोगों का? तो हम भी जब भी इस तरह का कोई भी हमें कहा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जब आंदोलन हुआ था यहाँ दिल्ली में तो हमने भी उसमें भाग लिया था, और हम भी हर साल कार्तिक के महीने में सारी दुनिया से लोग आते हैं, सारे देशों से दोस्त लोग आते हैं, और ये 84 कोस की जो परिक्रमा हम करते हैं और जगहों जगहों पे सब लोग जाके रहते हैं, तो हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम भी लोगों को इससे अवगत कराएं कि ये जो है पौराणिक स्थल हैं और ये इनको बचाना चाहिए। लोगों को जब ये अवेयरनेस होगी कि भगवान जो हैं वो सबके हैं, भगवान सिर्फ मेरे नहीं हैं या आपके नहीं हैं, भगवान सबके पिता हैं और उन्हीं की ये धरोहर है, तो हम सबको मिलकर इसको बचाना है, तो ये हमारा प्रयास है। प्रोफेसर मुखर्जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि ठीक है, क्या ब्रज के आसपास जो खनन हो रहा है उससे इफेक्टेड, उससे प्रभावित सिर्फ ब्रज के लोग होंगे या फिर उसके आसपास, उससे थोड़ा बाहर निकल कर देखें नुकसान उनको भी हो सकता है? जी नहीं, वो अगर उत्खनन हो तो वो अगर ब्रजभूमि में हो या कोई ऐसे जगह जहाँ पर कोई धार्मिक स्थल नहीं है वहाँ भी अगर हो तो उससे उसके आसपास के लोग प्रभावित हो सकते हैं, तो लेकिन उसको थोड़ा सा पहले उसके बारे में थोड़ा अनुसंधान करके देख लेना चाहिए। जैसे हमारे कुछ सरकारी विभाग हैं, ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडियन स्पेस रिसर्चनाइजेशन है, उनके सहायता से ये देख लें कि वहाँ पर अगर जो उत्खनन कर रहे, अगर वो बहुत आवश्यक है तो शायद जी, वो जी, करना पड़े जी, तो ये देख लें कि उसके उत्खनन से क्या जमीन के अंदर जी, पानी जी, का स्तर है, उस पर कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा? जी प्रोफेसर मुखर्जी, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारी ब्रेक के बाद बता दें आपको कि बहुत खास चीज लेकर आ रहे हैं, खासतौर से भोजन थाली हम दिखाने वाले हैं कृष्ण की, जिसमें वो खाना खाते थे। बने रहिए हमारे साथ। तो कान्हा की नगरी में अब गूंज रहे हैं धमाके, और इन धमाकों के बीच ब्रज के कुछ लोगों ने कुछ जगहों को जैसे तैसे बचा कर रखा है। ऐसी एक जगह है कृष्ण की भोजन स्थली, चट्टान पर बनी इस थाली को कृष्ण की थाली कहते हैं। कहा जाता है कि जब कृष्ण गाय चराने जंगल में जाते तो अपना खाना इसी पर रखकर खाते थे। चरण पर्वत से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भोजन थाली, जहां भगवान श्री कृष्ण के खाने की थाली रखी हुई है। इस जगह के बारे में भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। पहाड़ों के बीचों बीच हजारों साल पुराना पानी का एक कुंड, कुंड के बराबर में एक चट्टान जिस पर बनी है 2 थालियां, छोटी थाली श्री कृष्ण की, बड़ी बलराम की। ये दो ये थाल हैं, यहाँ पर एक बड़ा बलराम का, एक छोटा कृष्ण का, काला कटोरा कृष्ण का, वो दूसरा बलराम का। ये सामने जो आप शिला देख रहे हैं यही भोजन थाली की शिला है। थालियों के बराबर में एक छोटा सा कटोरा। कहा जाता है कि जंगलों में घूमते हुए इसी थाली में ग्वालों के साथ श्री कृष्ण खाना खाते थे। भोजन थाली से ठीक ऊपर एक छोटे से कमरे में बना है भगवान का दूध का कटोरा। यही वो कटोरा है जिसमें बैठकर भगवान श्री कृष्ण दूध पिया करते थे।
श्री कृष्ण भस्मासुर राक्षस को मारने के बाद इसी जगह पर चोरी छुपकर दूध पी रहे थे। दूध इसी कटोरा भरा था। उसी वक्त उनके दोस्त भी वहां आ पहुंचे। वालों ने उसे दूध में हिस्सा मांगा। आपस में खींचतान हुई। कटोरा नीचे चट्टान पर गिरा और तब से यही जड़ हो गया। राहुल, आपकी ये रिपोर्ट हम देख रहे थे, काफी दिलचस्प। लेकिन आप जैसा कि आपने खुद बताया कि कई लोगों को पता नहीं है और इस चीज को प्रिजर्व करने के लिए कोई कोशिश नहीं, उल्टा धमाके तो हम देख ही रहे हैं। निश्चित तौर पर, और कई ऐसी जगह, खासतौर से हम बात करें भामासुर की एक गुफा है जहां भामासुर अक्षर को मारा था, और उसके अलावा छोटे छोटे मोतियों की चट्टानों पर कई ऐसे निशान देखने को मिलते हैं। लेकिन असल में ब्रज में अवैध खनन की सबसे बड़ी समस्या की नींव खुद पहले और अब की राजस्थान सरकार ने रखी। सरकार ने पैसा कमाने के चक्कर में पहले तो बगैर सोचे समझे धड़ल्ले से लाइसेंस जारी कर दिए। इन लाइसेंसों की आड़ में अवैध खनन करने वालों की चांदी हो गई। अब जब कृष्ण भक्तों का विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो सरकार ने अपने ही नियम कायदे से जारी किए गए लाइसेंस रद्द कर दिए। सरकार के रवैये से करोड़ों भक्त हैरान है। साथ ही अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर खनन का लाइसेंस और क्रशर लगाने वाले परेशान। कहते हैं कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर ली तो समझ लीजिए सब पाप धुल गए। हर साल करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु 84 कोस की परिक्रमा करने आते हैं, लेकिन रास्ते में आते हुए उन्हें हर साल पहले के मुकाबले कम पहाड़ नजर आते हैं। वजह पहाड़ों का। राजस्थान सरकार ने बाकायदा डींग और कामों में चट्टाने तोड़ने और क्रेशर लगाने के लिए लाइसेंस जारी किए। लाइसेंस के पीछे वजह सरकारी खजाना भरने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दुहाई दी गई, लेकिन इस दुहाई ने अवैध खनन करने वालों को मलाई थमा दी। हालांकि ब्रज के लोग कहते हैं कि अगर सरकार इन पहाड़ियों को पर्यटक स्थल बना दे तो 10 गुना ज्यादा कमाई कर सकती है। राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होने पर इसमें इससे अधिसूचित क्षेत्र के विकास के लिए एक कोष बनेगा जिसमें 10% अतिरिक्त रॉयल्टी का भी प्रावधान और उसकी वसूली का भी प्रावधान रखा है, और जिससे सरकार को भी इस निर्णय के बाद में, निर्णय लेने के बाद में 70-80 करोड़ रुपए रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होंगे और 300-400 करोड़ सेल टैक्स के रूप में प्राप्त होंगे। तो निश्चित रूप से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जब खनन बढ़ा तो ब्रज में इसका विरोध बढ़ा। दबाव में आई सरकार ने 17 खानों और कुछ स्टोन क्रशर्स को बंद कर दिया। वजह बताई गई कि ये सब के सब 84 कोस की परिक्रमा के दायरे में आते हैं। सरकार की इस नाइंसाफी के खिलाफ इन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत से स्टे लेकर अपना काम फिर से शुरू कर दिया। अवैध वाले तो भाग जाते हैं तो उनकी तो आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, वैध वालों की तो आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए तो उनको तो चाहे जब बुलाकर कुछ भी मतलब आरोप लगा सकते हो। मजे की बात यह है कि स्टोन क्रशर और खनन करने वाले खुद आरोप लगाते हैं कि प्रशासन की मदद से इस इलाके में चट्टाने तोड़ने का गैर कानूनी कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। असल में सरकार थोड़े से इलाके में कुछ स्टोन क्रशर और खान बंद करके ब्रज के लोगों को खुश करना चाहती थी, लेकिन फिर मजे की बात ये कि वो खनन को बंद कर बाकी लोगों को नाराज भी नहीं करना चाहती, यानी चित भी अपनी और पट भी अपनी। 84 कोस की परिक्रमा मार्ग जो है, जो ऐसा कोई ऑथराइज नक्शा नहीं होने के बावजूद भी जो साधु संतों के द्वारा जो नक्शा प्रस्तावित किया गया उसको मानते हुए उस 84 कोस परिक्रमा के दोनों तरफ जो माइंस है इसको बंद करने का निर्णय राज्य सरकार ने अपने स्तर पर 2005 में लिया। लेकिन सवाल उठता है कि बाकी जगहों का क्या होगा? क्या 84 कोस की परिक्रमा में आने वाले स्टोन क्रेशर और खनन को बंद कर देने से ब्रज की सारी धरोहरें बच जाएंगी? कैमरामैन शिव के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज, कामा, भरतपुर। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, वृंदावन से हमारे साथ खास मेहमान है स्टूडियो में। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता श्री सिंघल, बीपी सिंघल, और वृंदावन से हमारे साथ रमेश बाबा, जिन्होंने मुहिम ही बना ली है इस सब के खिलाफ। प्रोफेसर भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से सबसे पहले हम बात कर रहे थे शीतल की, रमेश बाबा जो खासतौर से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और सबसे पहले शुरुआत करने वाले थे, कृष्ण मोहन के साथ में इस वक्त रमेश बाबा हैं। कृष्ण मोहन, सबसे ज्यादा दिक्कत 4 साल से लगे हुए उसके बावजूद भी रोक नहीं पा रहे हैं रमेश बाबा वहां पर?
देखिए ये सारी चीजें आपने खुद देखा, आपने अपनी रिपोर्ट्स में जिक्र किया कि संगठित माफिया है, उनके खिलाफ मुट्ठी भर लोग हैं, श्रद्धालु हैं, और उनके अंदर सिर्फ एक भावना है कि किसी भी तरह इन सारी चीजों को, इनको रोका जाए और इन निशानियों को बचाया जाए। हमारे साथ रमेश बाबा जी खुद हैं। ये पूरे संघर्ष की कहानी हम उन्हीं से जानते हैं। बाबा जी, कब से ये चीज आपने शुरू की, कब से आपके दिमाग में ख्याल आया, कितने दिन हो गए ये काम को करते? बहुत पहले जब संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के यूपी के, तब वो आए थे, करीब 40-45 साल पुरानी बात है, तब ऊंचे गांव का पहाड़ टूट रहा था, जब मैंने उनसे कहा था तो उन्होंने मान लिया था, बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ कामा में जब बहुत खनन चला तो हमारे पास सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, वो आए, उनके साथ साथ लोकोत्थान समिति के वंशीधर आदि बहुत सदस्य थे। उन्होंने कहा ये सब नष्ट हो रहा है बाबा, आप क्यों नहीं करते हो, आप नहीं मरोगे तो कौन मरेगा। तो उन्होंने ले जाकर मुझे पहाड़ पर बैठा दिया धरना देने के लिए। मैं बैठ गया वहाँ, कई दिन बैठा रहा, दिन रात पानी भी बरसा वहाँ। फिर 8-10 दिन बाद वो कुछ लोग गोली वोली मारने आए, लेकिन वो मार नहीं पाए क्योंकि हमारे साथ अखंड कीर्तन चल रहा था, लोग बहुत थे। उसके बाद फिर बंद कर दिया गया। फिर इसी तरह से कभी बंद कर देते हैं चलाते हैं, कभी बंद कर देते हैं चलाते हैं, ऐसा क्रम चल रहा है। अभी जो ये 84 कोस की आप ये यात्रा निकालते हैं, इसके दौरान आप लोगों को इस मुहिम में कैसे जोड़ते हैं आप अपने साथ? मैं उनको वहाँ का महत्व सुनाता हूँ और साथ साथ पर्यावरण की भी बातें बताता हूँ। केवल ये एक धार्मिक ही कृत्य नहीं है कि जैसे राजस्थान का ये रेगिस्तान बढ़ रहा है, ये पहाड़ों ने रोक रखा है, तो जी कृष्णा बहुत सी बातें मैं उनको बताता हूँ। कृष्णा, हमने सुना है कि रमेश बाबा अपने भजनों के जरिए इसे लेकर अवेयरनेस फैलाते हैं। हम चाहते हैं कि उसका कुछ दर्शकों को भी हमारे दिखाएं वो किस तरह से इसे लेकर अवेयरनेस फैला रहे हैं। स्टूडियो चाहता है कि आप कुछ ऐसी चीजें हमारे दर्शकों को बताएं और उसके जरिए आप ऐसी कोई पद ऐसा सुनाएं कि जिससे इस जगह का कोई महत्व हमारे सारे दर्शकों को पता लगे और वो समझें कि क्या चीज है जो नष्ट हो रही है। देखो भाई, जैसे लाल किला तोड़ दिया जाए तो उसके पीछे सारा इतिहास नष्ट हो जाएगा, वैसे ही जितने स्थल हैं सांस्कृतिक स्थल हैं और इनका प्रमाण है, जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि दध्योदनम समानितम शिलायाम सलिलांत के संभोज नैर बुभजई गोपई संकर्षणान्विता। ये श्रीमद् भागवत दशम स्कंद का श्लोक है 20वें अध्याय का, कि वहाँ दधि और ओदन चावल लाया गया शिलायाम सलिलांत के, और वहाँ शिला पर ही रख करके वहाँ पास में पानी भी थी, संकर्षण बलराम आदि ने भोजन किया। क्वचित वनस्पति क्रोड़े गुहायान चावी वर्षति, और वर्षा काल में गुफाओं में बैठ करके श्री कृष्ण रेमे भगवान वहाँ रमण भी करते भोजन भी करते, ऐसा भागवत में प्रमाण है, गर्ग संहिता में भी है। और शिला पखारो भोजन की जय, महापुरुषों ने ये पद गा, इसको क्या गा के बता सकते हैं? श्याम सुंदर कह रहे हैं सखाओ, शिला पखारो भोजन की जय, शिला पखा नीके व्यंजन बने कौन के, चख चख सबहिन को दीजे, अहो अहो सुबल अहो श्रीदामा, अर्जुन गोप विशाल अपने अपने ओदन लाबो, आज्ञा दई है गोपाल। सब लाए और अपने अपने व्यंजन चखा रहे हैं, हल अंगूरी न अंजलि न बिच राखे, बाट बाट सब हिन को दे, परमानंद स्वामी रस दीजे,
प्रेम पुंज को बांधो से। और कृष्ण प्रियदासी इस वक्त हमारे साथ में। कृष्ण प्रियदासी, पूरा का पूरा मामला देखने के बाद में एक सवाल जहन में बहुत साफ साफ आता है, कृष्ण की भक्ति का मामला। जन्माष्टमी पे देखते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मंदिर में पहुंचते हैं, कृष्ण को लेकर कोई प्रवचन हो तो हजारों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ कृष्ण की लीला स्थली बताई जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है, पर लोग नहीं जुड़ पा रहे साथ में विरोध के लिए। तो इसके लिए यही है कि लोगों के लिए अभी इसके बारे में अवेयरनेस कम है, तो हमें और उनको बताना है। और दूसरी बात यह भी है कि जैसे बहुत सारे लोगों के हम देख रहे हैं कि स्वार्थ जुड़े हुए हैं इसमें, और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि अगर हम इन्हीं पहाड़ियों को बचाकर इनके ऊपर अगर हम हरियाली छाते हैं, इसमें अच्छा इसको एक स्पॉट बनाते हैं, यहाँ से तीर्थ स्थलियां बनाते हैं, तो ये लोग जो धार्मिक लोग आकर और वो उतना ही हमें लाभ होगा। ये बात ये स्वार्थी लोग समझ नहीं पा रहे कि इन द लॉन्ग रन जो है हमें लाभ होने वाला है। तो ये हमें क्या किया जा सकता है इस पर हम बात। जो वहाँ पर व्यवस्था है, वहाँ पुलिस प्रशासन और शासन सब माफिया के साथ है। जब हमारे ऊपर गोली चलाई जा सकती है तो फिर औरों का क्या भी साथ है जो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकार तो आप ही की पार्टी की है। सरकार ये राक्षसों की सरकार मानता हूं मैं, जहां तक ब्रज का ताल्लुक है। ये राक्षस ही इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। मेरे पास लक्ष्मी नारायण आए, उन्होंने कहा कि भाई सिंगल जी आपको हम बता देते हैं, हमारी समस्या आप हल कर दीजिए, हम बिल्कुल रुकवा देंगे। हमने कहा आप बताइए। बोले हमारी समस्या दो है, एक तो वहां की लोकल पॉपुलेशन लगी हुई है, करीब 40,000 लेबर जो है वो अनएम्प्लॉय हो जाएगा, और दूसरी ये कि हमारी करीब 7 करोड़ रुपए की आमदनी है, वो हमारे कमी पड़ेगी राजस्थान सरकार को। अब जब हम मौके पे गए तो पता लगा वहां पर 1% 1.5% भी लोकल आदमी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, सब बाहर से आते हैं। पूछा बाहर से क्यों लाते हैं, बोले साहब मरमरा जाता है तो बाहर से उठा के फेंकवा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। लोकल होता है तो उसको कॉम्पनसेशन बहुत भारी देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कोई लोकल एम्प्लॉयमेंट देते ही नहीं। फिर यहाँ पर जो काम करते हैं उनको टीवी बड़ी जल्दी हो जाती है, धूल फाँकते रहते हैं। जब आया उसका तो वेबसाइट पर देखा तो 93 लाख रुपए की आमदनी, 7 करोड़ की आमदनी बता रहे हो, 93 लाख। जी जी, अब हो गया 4 करोड़ इस साल से जब केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये झूठ पर आधारित, मुझे मतलब जी मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, कहे कि बीजेपी सरकार किसी की भी हो, इस पर मंत्री झूठ बोलेगा तो मैं कोई इस पर बात करेंगे। माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, बात करेंगे क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ये खास पेशकश जारी है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे, देखते रहिए। की ब्रजभूमि जो अब बनती जा रही है रेत भूमि अवैध खनन की वजह से, हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं प्रोफेसर मुखर्जी। इस तरह के अवैध खनन से पर्यावरण जो है उस इलाके का, उसको क्या नुकसान पहुंचेगा? ब्रेक से पहले आप बता रहे थे जी ये भूमिगत जल का स्तर में असर पड़ सकता है, उसके साथ साथ जो अवैध या वैध जो भी उत्खनन होता है तो वो अगर बहुत आवश्यक है तो वो तो होना है, कई जगह हुआ भी है, तो उसमें थोड़े से जो पर्यावरण के संतुलन को बना करके करना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे लगा देने चाहिए जिससे कि भूमि का अपरदन और कम हो, तो उससे वहाँ के जो वातावरण है वो पहले जैसा बना रहे। इतना जल्दी तो बन नहीं सकता, लेकिन 20-25-30 साल में वो फिर से ऐसा हो सकता है। लेकिन जो एक बार पत्थर का जो एक बार काशन हो जाए वो दोबारा तो आ नहीं सकता वहाँ, तो उससे जो उसके वजह से जो जमीन के नीचे का जो जल स्तर है उसमें जो गिरावट हो जाएगी वो भी दोबारा वापस, वो गिरावट दर्ज भी की जा रही है पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो गिरावट हुई भी है, अच्छी खासी देखने को भी मिला है प्रोफेसर। लेकिन अगर 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 इस समय सीधे चले वृंदावन जहां मौजूद हैं कृष्ण मोहन रमेश के साथ में है, कई कोशिशें वो कर चुके हैं, प्रशासन से सरकार से मिल चुके हैं, फिर भी लगाम क्यों नहीं लग पा रही इस मामले पे? देखिए राहुल, सीधी सी बात है कि जो सिंघल साहब भी कह रहे थे कि इतने संगठित लोग हैं ये कि उनका विरोध करना, उनको काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी रमेश बाबा अपना संघर्ष अपना अभियान लगातार जारी रखते हैं। क्या कठिनाई आ रही है उन्हीं से पूछते हैं।
बाबा जी क्या परेशानियां आ रही हैं इस काम को करने में, कैसे आपको कैसे रोका जाता है? ऐसे रोका जाता है, अभी हमारे यहाँ हमला हुआ और हमारे व्यवस्थापक के भाई को मार गए, वो जाने कैसे जिंदा हो गया, एक आंख तो उसकी फूट गई, दो छर्रे वर्रे लगे हुए हैं, उसके पहले किडनैप कर ले गए थे, दो बार अटैक हुआ, एक बार पॉइजन दिया गया, तो इस तरह से वो बाधाएं आ रही हैं और लोगों को, लेकिन बाधाओं के बाद भी जो श्रद्धालु लोग हैं, जो सांस्कृतिक स्थलों के लिए हैं, यहाँ बहुत से हमारे पास निवासी कामा के बैठे हैं, ये जी, अपने जी। प्राणों की परवाह नहीं करते हैं और बराबर अभियान चला रहे हैं जी, जी। ये जितना भी कुचक्र षड्यंत्र होता है, माफियाओं का हमला कराना, ये करना, चोरी कराना, यही सब बाधाएं हैं और सरकार को पैसा दे देते हैं, वो सुनती नहीं कई। बिल्कुल रमेश बाबा, जैसे लोग आंदोलन तो कर रहे हैं लेकिन इस आतंक के आगे कितना कर पाएंगे? निश्चित तौर पर इस वक्त दिखाई नहीं रहा, फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गोवर्धन पर्वत आखिर किस वजह से लगातार जमीन के अंदर तिल तिल कर रोज अंदर नीचे जाता जा रहा है। प्रोफेसर मुखर्जी से जरूर पूछेंगे और इस वक्त सिंगल साहब से भी ब्रेक के बाद ये सवाल जरूर पूछना है कि उनके बड़े नेता की बात तो करते हैं, कृष्ण की याद उनको क्यों नहीं आती? देखते रहिए सीरियल। भूमि में अब गूंजते हैं धमाके और इन सबका असर अब अनमोल धरोहरों पर दिखना शुरू हो गया है। कृष्ण से जुड़े कई पहाड़ या तो चट्टान की शक्ल में हैं या फिर गोवर्धन जैसा पर्वत जमीन के अंदर समा रहा है। आखिर क्यों गोवर्धन पर्वत जमीन के नीचे जा रहा है? कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी सबसे खास जगह गोवर्धन पर्वत। इस पर्वत के चारों ओर हर महीने लाखों भक्त परिक्रमा लगाते हैं और वापस अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन क्या उन लोगों को पता है, क्या आपको पता है कि ये पर्वत हर रोज एक तिल के बराबर नीचे जमीन में धंसता जा रहा है? क्या आपको पता है कि इस पर्वत पर आज भी श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी निशानियां और हजारों कहानियां पूरे सबूत के साथ मौजूद हैं? अगर नहीं, हम पूरे सबूत के साथ उन निशानियों को आपको दिखाते हैं। गोवर्धन पर्वत गिरिराज पर्वतों का राजा, इसके कई नाम हैं। हर महीने इस पर्वत की परिक्रमा करने करोड़ों लोग गोवर्धन पहुंचते हैं। आस्था और उम्मीद के साथ 21 किलोमीटर की परिक्रमा कोई पैदल चलकर पूरी करता है तो कोई जमीन पर लेटकर। लेकिन उन करोड़ों लोगों को शायद ये नहीं पता कि गोविंद का ये गोवर्धन श्राप लिए तिल तिल जमीन में धस रहा है। सुनकर आपको ताज्जुब होगा लेकिन ये सच्चाई है, ऐसी सच्चाई जो किसी अंधविश्वास की कहानी से जुड़ी हुई नहीं है। यह सच है, गोवर्धन पर्वत हर रोज जमीन में समाता जा रहा है। इसे समाते हुए यहां रहने वाले उन पढ़े लिखे नौजवानों ने देखा है जो अब धर्म से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करते हैं। और लगातार जब वहां पर लोगों से बात हुई तो लोगों ने बताया कि 30 साल पहले जो गोवर्धन की ऊंचाई हुआ करती थी अब वो उससे काफी कम हो रही है। लेकिन ब्रज में हो रहे पहाड़ों की खुदाई न सिर्फ कृष्ण भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रही है बल्कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। धमाकों से हो रहे प्रदूषण से लाखों लोगों की जिंदगियां दांव पर हैं लेकिन सरकार बेपरवाह है क्योंकि उसे करोड़ों रुपयों की फिक्र है। उधर भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ब्रज के इलाके में अब जरूरत से ज्यादा खनन हो चुका है। ब्रज की रज यानी मिट्टी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। कहते हैं कि अगर उसे शरीर से लगा लें तो हर रोग दूर हो जाता है, लेकिन ब्रज के पहाड़ों की मिट्टी अब दमा जैसी कई जानलेवा बीमारियों की वजह बन रही है। वजह है इस मिट्टी में बारूद का मिला होना।
भूवैज्ञानिक मानते हैं कि अवैध खनन से सबसे ज्यादा खतरा आसपास रहने वाले लोगों की सेहत को है। बहुत ज्यादा है मौसम में, इसमें आसमान में, तो उसका मौसम पे भी असर पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग पे असर पड़ेगा, लोगों की हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपके व्हीकल्स पे असर पड़ेगा, बहुत सारी चीजों पे असर पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। भूवैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि खनन के बाद सबसे ज्यादा प्रदूषण पीने के पानी में हो रहा है। यही नहीं, खनन के बाद खाली हुई जगह पर जमा होने वाला पानी सैकड़ों खतरनाक बीमारियों को दावत दे रहा है। अगर पहाड़ खत्म हो जाएंगे तो भगवान की लीला स्थली समाप्त होगी, पर्यावरण का इतना भारी नुकसान होगा, सब सॉइल वाटर खत्म हो जाएगा, ग्रीन कवर खत्म हो ही रहा है, वन्य जीवन समाप्त हो रहा है, राजस्थान का रेगिस्तान बढ़कर ब्रज में आ जाएगा, वर्षा का गिरना हो जाएगा, हर तरह से तबाही मचेगी। और वो राजस्थान जहाँ चारे का संकट है, जहाँ चारे का इतना भारी संकट है, इन पर्वतों पर चारा उपलब्ध हो सकता है। लेकिन ये फर्क शायद यहाँ रहने वालों को उतना साफ साफ दिखा ना दे, लेकिन इस खनन ने सबसे बड़ा नुकसान यहाँ की खेती को पहुँचाया है। पिछले कुछ साल से ब्रज के इलाके में औसत से कई गुना कम बरसात हुई है। यही नहीं, खनन के बाद पहाड़ों से नीचे आने वाली मिट्टी ने खेत के खेत बर्बाद कर दिए। वन जीव समाप्त हो रहे हैं, इस जो प्रदूषण हो रहा है उसका इतना बड़ा प्रभाव हुआ है वातावरण के ऊपर में। 25 साल से जब से ये खनन शुरू हुआ है, जैसे यहाँ के ब्रज से वर्षा ने मुंह मोड़ लिया है, 25 साल से बारिश नहीं हो रही, यहाँ का जो जल का स्तर है वो पहले 10 फुट पे हुआ करता था, 5 हुआ करता था, आज वो जल स्तर घट के नीचे 150 फुट 200 फुट पे चला गया है। जल की यहाँ बड़ी भयंकर कमी हो गई है, वातावरण वर्षा नहीं हो रही है, किसान परेशान है। आज इससे ये समझिए कि आज हमारा जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। ताज्जुब इस बात का है कि ब्रज में होने वाले खनन को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी अपनी नाराजगी जता चुका है, लेकिन बोर्ड के अफसर नाराजगी जताकर अपने दफ्तरों में अब आराम से बैठे हैं। अवैध खनन माफिया खुलेआम घूम रहा है और ब्रज के लोग जिंदगी दांव पर लगाकर सरकारी तंत्र की मार झेल रहे हैं। कैमरामैन शिव के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज, कामा। और इसी पर हम बात करें अपने मेहमानों से। सिंगल साहब, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि ब्रज की रज से अब दमा पैदा हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, और सर जो है उसका ये कहना है कि आम लोगों के लिए ही, उनको रोजगार देने के लिए खनन की ये गतिविधि जो है हो रही है। नहीं, इन्होंने मुझसे कहा था कि करीब 40,000 लगी हुई है साहब, उनको हम कहां लेके जाएंगे अगर बंद करा दें। जब वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां पर 40,000 छोड़ो, वहां 4,000 भी वहां पर वहां के लोकल लोग नहीं लगते। लोकल लोग इसलिए भी नहीं रखते कि वहां पर ज्यादा काम करने से तपेदिक हो जाती, और वो लोग भी लोकल लोगों को रखना नहीं पसंद करते, क्योंकि अगर मर जाए तो उसको कंपनसेशन बहुत मोटा देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल असत्य बात हमको कही गई। हमने लगा कि अभी 40,000 आपकी अगर अनएम्प्लॉय हो जाएगी तो वास्तव में राजस्थान सरकार के लिए एक समस्या है जिसका हल हमारे पास होना चाहिए, इसके पहले कि हम डिमांड करें आप बंद करो, पर वो बिल्कुल मिथ्या बात निकली। दूसरी बात, उन्होंने कहा था आपको नुकसान होगा, 93 लाख की टोटल आमदनी उनकी थी, वेबसाइट पर जब देखा हमने, तो कहाँ से तुम्हारी 7 करोड़ की आमदनी गायब हो गई। आज भी उनकी 4 करोड़ की आमदनी दिखाई गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे थे आज से 1 साल पहले, तब से लेकर के 93 लाख से 4 करोड़ हो गई, अर्थात आपका खनन उसी अनुपात में बढ़ा है, तभी तो आमदनी बढ़ी, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने रोक रखा है। प्रोफेसर मुखर्जी, गोवर्धन पर्वत लगातार नीचे जा रहा है, कहीं इसकी बड़ी वजह ये तो नहीं कि आसपास जिस तरीके से लगातार खनन हो रहा है? नहीं, जैसे गोवर्धन पर्वत नीचे जा रही है, उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक हाइपोथेसिस है उसके तहत ये हमारी पूरी जो क्षेत्र है, जैसे ये आपका जो भारतीय भूभाग है उसके साथ, ये 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये खिसक रही है पूर्वोत्तर दिशा में, और एक न्यू टेक्टोनिक मूवमेंट जो शुरू हुआ है 20,000 साल पहले, उसके वजह से एक कुछ भाग जमीन का नीचे जा रहा है जमीन से और कुछ ऊपर आ रहा है, इसको साइज़मो टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस का सीधा सीधा संपर्क आपका जो भूमिगत चट्टानों से है। चट्टानों का खिसकना बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन एक समय पर जब वो अपने चरम उस पर पहुंच जाती है तो वो खिसक जाती है, जिसको फॉल्ट कहते हैं, और वो फॉल्ट का सरफेस में जो उसका जो वो होती है, जो धरती के ऊपर जो उसका परिमापन किया जाता है, उसे भूकंप कहते हैं।
जी जी डॉक्टर दास, जिस तरह से ब्रजभूमि की जो हालत देख रहे हैं आप और रिपोर्ट्स में आपने देखी, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, जितनी भी कृष्ण से जुड़ी धरोहर है वो सबका नाश हो रहा है, तो काफी कहीं दिल के अंदर चोट ठेस पहुंचती है कृष्ण भक्त होते हुए। यस, और ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ये जो, क्योंकि लोग जो हैं भगवान को भूलते जा रहे हैं, शास्त्रों से दूर जा रहे हैं, और इस कारण से ये सारी जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं, और ये सच में हमें दुख होता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ये समझें कि भगवान कृष्ण जो हैं भगवद गीता में क्या संदेश दे रहे हैं। कृष्ण मोहन के पास चलते हैं सीधे इस वक्त। रमेश पापा से कृष्ण मोहन सिर्फ एक सवाल पूछ लीजिए, क्या वजह है कि लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं इस पूरी की पूरी मुहिम से? पिछले 4 साल से वो चला रहे हैं इस मुहिम को। इस यात्रा में इस समय जहां पर मैं खड़ा हूं उसमें कम से कम 10,000 लोग हैं, लेकिन ये कार्यक्रम क्यों उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा? जैसे इन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के प्रेरणा से हुई थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में काफी सक्सेसफुल रहा, काफी कामयाबी के साथ वो खत्म हुआ और उसने अपना लक्ष्य भी काफी हद तक जारी किया। रमेश बाबा जी, आप ये बताएं कि ये इस आंदोलन से लोग इतना ज्यादा जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, जबकि ये क्षेत्र है, ये धार्मिक मुद्दा भी है, पर्यावरण का भी मुद्दा है, कितने लोगों का भी आप अपने साथ जोड़ पाए? बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन वो इतना पैसा, इतना सशक्त है कि सब अभी कामा के लोग लोकल बहुत से यहाँ बैठे हुए प्राण देने के लिए सामने बैठे, लेकिन वो उनके पास पैसे की शक्ति इतनी है कि वो दबा देते हैं, वो सारी आवाजों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, रिपोर्ट तक नहीं लेने देते। जो लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट करने, उनका रिपोर्ट नहीं लगती है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अब उसके सामने सब बातें फेल है। जी, आपने तकनीक का भी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी आपने सहारा लिया है, इन चीजों के वीडियो फुटेज भी आपने लोगों को मेल में भेजे हैं, उसमें देश विदेश में लोग के किस तरह से उस पे रिस्पांस दे रहे हैं, क्या प्रक्रिया रहती लोग? ये आप हमारे पास बैठे हैं नाराइज अमेरिका के, इनसे पूछ सकते हैं वहाँ कितना बड़ा कार्य हो रहा है, कितनी बड़ी जागृति हो रही है। जी जी बिल्कुल, ये तमाम हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का है। खतरे में है कान्हा की नगरी, खास पेशकश जारी, आप देखते रहिए सी न्यूज। तो ब्रज की भूमि इस वक्त रेत भूमि के नाम से कही जा रही है, क्योंकि लगातार वहां बारूद के धमाके हैं। हमारे साथ इस वक्त सिंगल साहब मौजूद हैं। सिंगल साहब, हम पर्यावरण के प्रदूषण की बात कर रहे हैं, आप अपने पार्टी में ही प्रदूषण की बात कर रहे हैं, क्या वजह है? आपके बड़े नेता तो राम की बात करते हैं, कृष्ण की याद नहीं है उनको? नहीं, देखिए ये राम की बात तो अपनी जगह शुरू हो चुकी बहुत पहले, लेकिन कृष्ण की बात ये पहले, ये अभी तो शुरू हुई इनकी ना। हमारे बड़े भाई साहब अशोक सिंघल जी ने, और गिरिराज जी तो 3 दफे स्वयं जा चुके हैं उनके पास, वसुंधरा जी के पास, कि आप इसको कृपा करके बंद कराइए। उन्होंने कहा हमने तो आपने कहा था, हमने 17 जगह बंद कर दिया। अब वो बोले वो तो बंद कर दिया, तो बंद कहा किया? बंद कुछ नहीं किया, 500 मीटर इधर का बंद कर दिया, 500 मीटर इधर का, तो भीतर किया, किया क्या जाए? सिंगल साहब, काम हो रहा है सिंगल साहब, किया क्या जाए, कैसे इस तरह का किया ये जाए कि जितनी भूमि क्षेत्र की है उसमें कम से कम 84 कोस की भूमि के एरिया के अंदर जो कुछ भी है और उससे कनेक्टेड जो भी पहाड़ हैं उनको बिल्कुल छोड़ करके और कहीं और खनन किया जाए, इन पहाड़ों को सुरक्षित और अपनी थाथी मान करके, और इनकी इनको कंजर्व करना पड़ेगा। इस पे घास लगा करके चरागाह, ये सारे के सारे 800 हेक्टेयर का चरागाह बना हुआ है, लिखा हुआ है रिकॉर्ड्स में जी। उसको चरागाह में खनन कराना वैसे भी अवैध है, जितनी अवैधता संभव सारी हो रही है, इनका इनको बंद होना चाहिए, तभी कुछ कल्याण हो सकता है। इन लोगों का कल्याण, मैं ब्रिज का कल्याण तो हो गई, लेकिन ये जितना पाप कर चुके हैं शायद धुल जाए अगर ये आज भी बंद करा दे। जी जी, डॉक्टर कृष्ण प्रियदास, किस तरह से अवेयरनेस फैलाएगा आपका संगठन? क्योंकि यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है डॉक्टर दास कि रमेश बाबा लगे हुए हैं, इस्कॉन कहीं दिखता नहीं, या बाकी और लोग नहीं जुड़ते हैं, सब लोग हाँ, मिलजुल कर क्यों नहीं साथ दिखाई दे? किस तरह से आप जुड़ेंगे आप? तो हमारा जो कार्य है वो है कि हम ये लोगों को शिक्षा देना चाह रहे हैं, हमारे जो सारे प्रचार के कार्य हैं,
कि ये समझें कि हम आत्मा हैं, ये शरीर जो है हमारे कपड़ों के समान है और ये शरीर जो है इसका नाश होना ही होना है, और ये जो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल मिलने वाला है। अगर हमें इस जन्म में नहीं नजर आ रहा तो अगले जन्म में तो जरूर हमें फल यही अवेयरनेस किस फैलाने के लिए, क्योंकि अब आप आगे क्या कोशिश करेंगे? रमेश बाबा तो कर ही रहे हैं, उनके साथ जुड़े तमाम लोग साथ हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा भी ये अभियान है जहाँ से हम देश विदेशों से जो हमारे आते हैं भक्त लोग उनको हम जो है सारे ये ब्रज मंडल में परिक्रमा कराते हैं और उनको वहीं रहते हैं, वो उन्हीं जगहों पर रहते हैं जी। चलते चलते प्रोफेसर मुखर्जी एक बार आपसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान है, एकदम बंद होना चाहिए, क्या आपकी राय क्या है इस मामले पर लेकर? देखिए जितना नुकसान होना था उतना तो हो चुका है, अब एक ही रास्ता है कि वहाँ पर खूब पेड़ लगाए जाए और पेड़ भी ऐसे लगाए जाए जो हाइड्रोजियोग्राफिक कंडीशन को सूट करें, जो उस जगह की जो पेड़ जो सूटेबल पौधे हों वो लगाए जाएं, जिससे धीरे धीरे 20-25 साल में वो जगह फिर से हरा भरा हो जाएगा। हाँ, कृष्ण की बांसुरी तो शायद सुनाई न दे लेकिन चिड़ियों की चहचहाट शायद सुनाई दे। जी जी जी, धन्यवाद आप सभी का। और सीधे चलते हैं वृंदावन, कृष्ण मोहन हमारे संवाददाता हैं। कृष्ण, रमेश बाबा एक भजन के जरिए किस तरह से गुहार लगाएंगे कि बचाया जाए कृष्ण की इस भूमि को, हम चाहेंगे कि जल्द से हमारे दर्शकों को सुना दें। बिल्कुल शीतल, यात्रा चल रही है, यात्री भी थके हुए हैं और इस अभियान के लिए बाबा जी एक भजन इस पूरे अभियान के लिए लोगों को उत्साह देने के लिए। भैरव स्वर गुंजारा है, बंशी ने भैरव स्वर गुंजारा, जागो जागो हे ब्रजवासी, माता ने तुम्हें पुकारा है, जागो जागो हे ब्रजवासी।